चैनल का नाम लिखें पेन एडवेंचर्स, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि आपको मजीद अपडेट्स आते रहें। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं 38 डाउन रहमान बाबा फरीद एक्सप्रेस जो है इस वक्त रेलवे जंक्शन पे है और अब इसका लोकोमोटिव निकल चुका है और बकाया कोचिस लेके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे। जबकि आपको दिखा चलूँ कि स्कूफर वैन काम कर रही है, साइड पे मुझे काम करती नज़र आ रही है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्कूफर वैन एक यहाँ पे मौजूद है और मुख्तलिफ स्लीपर्स उठाने का काम जारी है यहाँ पे। जैसे कि आपको मैं अपडेट दी थी कि लास्ट टाइम भी कि आगे नहर पे काम चल रहा है समासटा रेलवे जंक्शन से आगे, तो अभी ट्रेन आगे जाएगी और आपको आगे की अपडेट सूरत हाल में बताऊँगा। और लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं स्कूफर वैन इस वक्त ऑन वर्किंग है जो काम कर रही है। जबकि हमारे ये GU20 लोकोमोटिव जो है ट्रेन से निकल के अब ये जा रहा है बकाया कोचेस लेने के लिए समासटा रेलवे जंक्शन पे। कुछ शंटिंग लोकोमोटिव इस वक्त नहीं है, जो ट्रेन को लेके आता है लोकोमोटिव वही शंट करके ट्रेन में दोबारा कोचेस लगाता है। GU20 4552 और ये पीछे कोचेस जो हैं मौजूद हैं यहाँ पे, अब उसको अटैच करके ये वापसी यहाँ पे लेकर आएंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अब आप देख सकते हैं कि GU20 लोकोमोटिव जो है बकाया 3 इकोनॉमी के रैक्स जो समासटा रेलवे जंक्शन पे खड़े हुए थे उनको वहाँ से अटैच करके लेके आ रहा है और यहाँ पे इसके साथ अटैच लगा दिया जाएगा कोचेस। ये भी एक लंबा प्रोसेस होता है, बड़ा एहतियात से करना होता है और जल्दी करना होता है ताकि ट्रेन लेट ना हो जाए। जिस तरह आपने देखा कि कसूर सेक्शन में भी ये लोकोमोटिव अपनी डायरेक्शन चेंज करके आता है, इसी तरह फिर समासटा पे जो है मज़ीद 3 कोचेस ऐड की जाती हैं इसमें कराची जाने के लिए। और अब ये इसी ट्रैक पर दोबारा वापस आएगा कोचेज़ ले कर अटैच करने के लिए। दोस्तों फाइनली अब बकाया 3 ट्रैक्स आ चुके हैं प्लेटफॉर्म की जानेब और अटैच होंगे यहाँ पे इस ट्रेन के साथ। तो फाइनली मुसाफिर बैठना शुरू हो गए हैं इन कोचेस के ऊपर के लगा दिए गए हैं और अभी साथ साथ इन पे जो है कपलिंग अटैच हो रही है, फिर उसके बाद प्रेशर ब्रेक्स और इलेक्ट्रिक के भी अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं समासटा रेलवे जंक्शन पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि स्कूफर वैन काम कर रही है और स्कूफर वैन यहाँ से अब गुजरेगी। तो देखते हैं कि स्कूफर वैन में क्या लोड है और क्या काम हो रहा है। स्कूफर वैन अब आ रही है यहाँ पे। स्कूफर में मुझे स्लीपर्स नज़र आ रहे हैं लेकिन ये लकड़ी के स्लीपर्स हैं, कंक्रीट के नहीं हैं, लोहे के नहीं हैं, ये मुझे लकड़ी के स्लीपर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। स्कूफर वैन लकड़ी के स्लीपर्स के साथ यहाँ पे आ चुकी है। ML 947 स्कूफर वैन का कोड।
और यहाँ पे लकड़ी के स्लीपर्स हैं जो काफ़ी भी ताज़े काटे गए हैं। ML947 स्कूफ फैन फ्रांस मेड है, फ्रांस से बनती है ये और फ्रांस से आती है। तो दोस्तों इस स्कूफर वैन मौजूद है यहाँ पे समरसेटर रेलवे जंक्शन पे और 9ML947 यहाँ पे काम कर रही है। ट्रैक पे स्लीपर्स वगैरह जो यहाँ पे छोटा मोटा हल्का फुल्का सामान होता है वो इसके ज़रिए पहुँचाया जाता है। तो